हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम टेस्टी, चटपटा और हेल्दी ब्रोकली का सैलेड बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं ब्रोकली का सैलेड। एक बड़ी साइज़ की ब्रोकली ली है, इसका हम फ्लोरिक्स अलग कर लेते हैं। ब्रोकली की ये डंडी का भाग मैंने निकाल दिया है। ब्रोकली का ये पार्ट थोड़ा हार्ड रहता है तो इस तरह से हम ऊपर से निकाल लेंगे। इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी से कुक नहीं होता है, तो इस तरह से हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाता है। इस तरह से निकाल के ब्रोकली के फ्लोरेस्ट अलग कर लेते हैं। ब्रोकली को ब्लांच करने के लिए एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी में एक उबाल आ गया है। एक टीस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून चीनी, ब्रोकली डाल देते हैं। तेज आंच पे ब्रोकली को 4 से 5 मिनट के लिए ब्लांच कर लेते हैं। इसे 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। ब्रोकली की डंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, निकाल लेंगे। एक बाउल में आइस क्यूब और फ्रिज का ठंडा पानी लिया है, इसमें हम ब्रोकली को निकालेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए और ब्रोकली का कलर एकदम हरा रहे। इस तरह से बर्फ के पानी में इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। ब्रोकली को पानी में से निकाल लेंगे, इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। ब्रोकली को एक नैपकिन के ऊपर डाल देंगे। इसका पानी थोड़ा हमें सुखाना है। ब्रोकली अगर पानी वाली होगी, इसमें पानी रह जाएगा तो ड्रेसिंग के अंदर हम ब्रोकली डालेंगे तब ये अच्छे से इसके ऊपर कोट नहीं होगा, इसके लिए हम इसका पानी थोड़ा सुखा लेंगे। आप इसे टिश्यू पेपर के ऊपर रख के भी इसका पानी सुखा सकते हैं। सलाद का ड्रेसिंग बना लेते हैं। 6 से 7 कली लहसुन की बारीक काट के ली है, एक बाउल में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डालेंगे। 3/4 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टीस्पून चिली विनेगर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून हनी। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से इसे चलाएंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हमने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला था, आधे टेबलस्पून में और डाल रही हूँ। इसमें ब्रोकली डाल देंगे। ब्रोकली में से पानी सूख जाए उसके बाद इसमें डालना है। 2 चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सलाद बनाने में सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छे से मिक्स हो गया है सलाद को, मैंने सर्विंग डिश में निकाल दिया है। इसके ऊपर भुना हुआ तेल डालेंगे। ब्रोकली का सैलेड बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।